रायबैक ने किया AEW के ऊपर कटाक्ष, रोमन रेंस ने दी डॉल्फ ज़िगलर को धमकी, रैंडी ऑर्टन का एक बड़ा मैच हुआ है रूमर्ड, साथ ही साथ बात करेंगे उन चार शॉकिंग थिंग्स की जो कि कल की स्मैकडाउन में हमें देखने को मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली एक मैशअप वीडियो जिसके अंदर हम रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करेंगे, लेकिन उन सब पर जाने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं उन चार शॉकिंग थिंग्स की जो कि कल की स्मैकडाउन में हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइस, इस लिस्ट में नंबर चार के ऊपर जो थिंग आती है वो है शेमस का इन रिंग रिटर्न। तो आप जानते हैं कि शेमस बीते हफ्ते हमें एक प्रोमो काटते हुए नजर आए जिसके अंदर उन्होंने ये चीज कही थी कि स्मैकडाउन काफी ज्यादा शिथिल हो चुका है, रेसलर काफी कमजोर हो चुके हैं और ऐसे में स्मैकडाउन को एक वॉरियर की जरूरत है। हमें ये चीज देखने को मिल सकती है कि शेमस इस बारी ही अपना इन रिंग रिटर्न कर दे, जहां दोस्तों वो शॉर्टी जी या फिर मुस्तफा अली जैसे किसी एक सुपरस्टार को फेस करे और बुरे तरीके से हराए। तो गाइस, जहां शेमस का रिटर्न हो सकता है, इन रिंग रिटर्न हो सकता है, जहां दोस्तों किसी रेसलर को वो अटैक कर सकते हैं या फिर अपना शिकार बना सकते हैं, यानी कि मैच में हरा सकते हैं। बात करी जाए नंबर तीन के शॉक की, तो गाइस नंबर तीन पर जो शॉक आता है वो है अलेक्सा ब्लिस का टाइटल पिक्चर में चले जाना। तो अलेक्सा ब्लिस हमें बीते हफ्ते अपना रिटर्न करते हुए नजर आई, जहां उन्होंने अपनी फ्रेंड यानी कि निकी क्रॉस को बचाया। इस हफ्ते ये बड़ी थिंग हो सकती है, ये बड़ा शॉक हो सकता है कि अलेक्सा ब्लिस चैलेंज कर दे बेली को। इससे पहले दोस्तों माना ये जा रहा था कि लेसी वर्सेस बेली होगा, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि अलेक्सा ब्लिस वर्सेस बेली एक बड़ा मैच है बजाय लेसी वर्सेस आपकी बेली के। तो ये थिंग हो सकती है कि अलेक्सा आते ही सार टाइटल पिक्चर में घुस जाए और आगे जाकर यानी कि TLC के अंदर इनका मैच बने, लेकिन इस चीज के चांसेस बेहद कम है। हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर दो के ऊपर, और नंबर दो पर जो शॉक आता है दोस्तों वो है जॉन मॉरिसन की रिटर्न डेट। तो आप जानते हैं कि जॉन मॉरिसन WWE के द्वारा साइंड हो चुके हैं और जल्द हमें रॉ या फिर स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे, लेकिन गाइस कल की स्मैकडाउन में हमें ये बड़ा शॉक देखने को मिल सकता है कि स्मैकडाउन में द मिज जो है, जो कि जॉन मॉरिसन के मित्र रहे हैं, वो अपने शो यानी कि मिस टीवी के ऊपर घोषणा करे जॉन मॉरिसन की रिटर्न की डेट बताए, साथ ही साथ दोस्तों ये चीज भी कहे कि वो जॉन मॉरिसन के रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, सिंस दोस्तों जो स्मैकडाउन ब्रांड है वो ए ब्रांड है और उन्हें काफी ज्यादा रेटिंग्स की जरूरत रहती है और जॉन मॉरिसन काफी बड़ा नाम बन चुके हैं रेसलिंग जगत में, चांसेस इसी बात के हैं कि वो स्मैकडाउन ब्रांड को ज्वाइन करेंगे। तो गाइस हाँ, ये शॉक देखने को मिल सकता है, लेकिन अब हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर एक के ऊपर, और नंबर एक पर जो शॉक आता है दोस्तों वो है डेनियल ब्रायन का ब्रांड न्यू लुक और ब्रांड न्यू गिमिक। तो हाँ दोस्तों, ये हो सकता है कि नए लुक के साथ साथ हमें एक नया डेनियल देखने को मिले। इसके पीछे का रीजन ये भी है दोस्तों कि फीड जिस भी सुपरस्टार से एक फाइट लड़े, उन्होंने एक फाइट में उसे चेंज कर दिया। इससे पहले हमने देखा था कि जो फिन बैलर थे वो हील में कन्वर्ट हो गए थे जब वो फेस किए समर स्लैम में फिंड को, और उसके बाद दोस्तों जब आगे जाकर सेथ वर्सेस फिंड हुई तो सेथ का हाल तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे में दोस्तों डेनियल इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो कि फाइट करने के बाद भी नहीं बदले। यहां दोस्तों उनके कैरेक्टर में हमें बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, और कल जब डेनियल ब्रायन आए तो उनके बाल सर पर ना हो और वो एक हील में तब्दील हो गए हो। तो हाँ, ये एक बड़ा शॉक जो कि हमें कल देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। बट गाइस, अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के दूसरे पार्ट के ऊपर। तो गाइस, दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है आज की बड़ी खबरों से। तो सबसे पहली खबर जो हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों, वो जुड़ी हुई है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो आप जानते हैं कि रैंडी ऑर्टन के साथ क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। रैंडी ऑर्टन का करियर काफी डामाडोल है। बीती रॉ के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि ड्रू मैकइंटायर के साथ उनकी बातों ही बातों में तकरार हुई, वहीं दोस्तों रॉ के खत्म होने से पहले उन्होंने धावा बोला AJ स्टाइल्स के ऊपर। अब आप अगर सोच रहे हैं कि तीनों के बीच में ट्रिपल थ्रेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। रैंडी ऑर्टन की कंफ्यूजन वैसी की वैसी बनी हुई है कि आखिर वो ड्रू से लड़ेंगे या फिर AJ स्टाइल्स से। तो गाइस, जवाब आ चुका है, एक बड़ा मैच हो चुका है रूमर्ड जो कि है AJ स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मध्य। अब अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये मैच ज्यादा बेहतर साउंड करता है
क्योंकि दोस्तों रैंडी ऑर्टन वही व्यक्ति है जिन्होंने एजे स्टाइल्स को उनका यूएस टाइटल लॉस करवाया। तो ऐसे में यहाँ ये मैच बनने वाला और ये रूमर्ड हो चुका है। टीएलसी से पहले दोस्तों आपको इनके मध्य ये मैच या फिर कह लीजिए इसकी स्टिपुलेशन भी कन्फर्म्ड होती हुई नजर आ सकती है। बट गाइज अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। गाइज वो हमारी जुड़ी हुई है रायबैक और ऑल एलीट रेसलिंग से। तो गाइज रायबैक ने कर दिया है AEW के ऊपर कटाक्ष, और जो कटाक्ष किया है ये काफी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि क्यों किया। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं NXT वर्सेस AEW की रेटिंग्स की। तो रेटिंग्स मेरे सामने आ चुकी है और इस बार ही दोस्तों ऑल एलीट रेसलिंग जीत गया है और जीतता ही रहता है। बट इस बार दोस्तों जो अजीब सी थिंग हुई वो ये कि रेटिंग्स काफी क्लोज चल गई थी NXT की, जहां दोस्तों NXT की रेटिंग गई 0.84 मिलियन। वहीं दोस्तों बात की जाए ऑल एलीट रेसलिंग की तो उनकी रेटिंग्स थी 0.85 मिलियन। तो काफ़ी कम या फिर कह लीजिए बहुत ही कम रेटिंग्स में अंतर था और बहुत मुश्किल से दोस्तों इस बारी ऑल एलीट रेसलिंग जीती। इसी पर दोस्तों रायबैक ने कमेंट करते हुए ये थिंग कही अपने पॉडकास्ट के अंदर कि AEW के एक्साइटमेंट के दिन गए। रायबैक बोले कि पहले ऐसा था कि ऑल एलीट रेसलिंग आएगी, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइट थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं। अब AEW एक ऐसे भंवर में फंस चुकी है जिससे निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ दोस्तों पहले तो उन्होंने रूसेफ का नाम लिया कि हाँ आगे जाकर ये हो सकता है कि रूसेफ AEW को ज्वाइन कर ले। हाँ ये भी हो सकता है कि ल्यूक हार्पर उनकी नाव पर चढ़ जाए, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि WWE वालों ने प्लान बना लिया है अपने रेसलर्स को लॉक करने का। वहीं दोस्तों आगे ये चीज़ बोले कि विंस मैकमैन काफ़ी स्मार्ट है, वो जानते हैं कि रेसलर्स अगर वो खो देते हैं और वो रेसलर्स ऑल एलीट रेसलिंग में चले जाते हैं तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे और ऑल एलीट रेसलिंग वालों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर उन्हें रेटिंग्स को ऐसे ही कॉन्टिन्यू रखना है तो उन्हें पहले से बने हुए सुपरस्टार्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं जॉन मॉक्सली आए थे तो रेटिंग्स पर प्रभाव पड़ा था, जैक हैगर यानी कि जैक स्वैगर आए थे रेटिंग्स पर प्रभाव पड़ा था, और जो ये कुछ रेटिंग्स अभी आ रही है ये आप जानते हैं किसकी बदौलत है, क्रिस जेरिको की बदौलत है। अब ऐसे में दोस्तों AEW वालों को काफ़ी मुश्किल होगी क्योंकि अब WWE वाले अपने रेसलर्स को लॉक्ड रख रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों आगे जाकर ऑल एलीट रेसलिंग का क्या होता है। रायबैक के अनुसार काफ़ी मुश्किल होने वाली है। वहीं दोस्तों रायबैक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो अभी किसी भी कंपनी के साथ साइंड नहीं है। होप करते हैं कि वो WWE या फिर ऑल एलीट रेसलिंग में से किसी एक कंपनी में दिखे। पर गाइज अब हम चलते हैं आज की अपनी सेकेंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो गाइज आज की हमारी सेकेंड लास्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है जेवियर वुड्स से। तो द न्यू डे के फैंस के लिए काफ़ी बढ़िया खबर है, जेवियर वुड्स का रिटर्न अब रिटर्निंग डेट से पहले होगा। पहले ये चीज़ बता देता हूँ, जेवियर वुड्स को हुआ गया तो उन्हें एडी में चोट आई थी, एडी में इंजरी आई थी, जिसके चलते दोस्तों डेट बताई गई थी जुलाई 2020 की, यानी कि जुलाई 2020 में वो आएंगे जो कि काफ़ी दूर है। लेकिन दोस्तों उनकी रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हो रही है और अब जो डेट बताई जा रही है वो है मई 2020 की, यानी कि 2 महीने पहले वो हमें देखने को मिल जाएंगे। 2 महीने उनके दोस्तों पहले होगी वापसी। अब मई से दोस्तों अप्रैल भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो होप करते हैं उनकी रिकवरी और तेज़ हो जाए और वो हमें रेसलमेनिया 2020 के अंदर देखने को मिले। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के बारे में जो लोग नहीं जानते, यानी कि उनके मैच के बारे में जो लोग नहीं जानते जिन्होंने सुबह वाली वीडियो नहीं देखी, उन्हें मैं बता दूं कि कल के स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस जो है वो फेस करने जा रहे हैं डॉल्फ जिगलर को। सिंस दोस्तों आपने देखा था कि डॉल्फ जिगलर के मित्र यानी कि रॉबर्ट रूड को रोमन रेंस हॉस्पिटल पहुंचा दिए, तो ऐसे में ये मैच रखा गया है, डॉल्फ जिगलर को अपना बदला लेना है। लेकिन दोस्तों रोमन रेंस जो है उनकी नज़र है किंग कॉर्बिन के ऊपर, और आज उन्होंने वही ट्वीट किया जहां दोस्तों उनका कहना क्या रहा कि किंग कॉर्बिन जो है वो मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है और उसी के बारे में सोच रहा है, लेकिन कल स्मैकडाउन के अंदर मैं जब डॉल्फ जिगलर को पीट दूंगा तो वहां दोस्तों मुझे किंग कॉर्बिन अपने हाथों से केप एंड क्राउन पहनाने वाला है। तो यहां दोस्तों उन्होंने तगड़ी बेइज्जती कर दी है किंग कॉर्बिन की, साथ ही साथ उन्होंने ये चीज़ भी कह डाली है कि वो डॉल्फ जिगलर की
खटिया खड़ी करने आने वाला है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस रोमन रेंस जो मैच होगा उसमें क्या रोमन रेंस जीत पाएंगे या फिर उस मैच का अंत किसी कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से होगा? मुझे तो दोस्तों ये लगता है कि मैच का अंत कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से होगा क्योंकि किंग कॉर्बिन जो है वो काफ़ी चलाक है, काफ़ी चपल है। बीते हफ्ते तो दोस्तों मार खा गए थे लेकिन इस हफ्ते वो कोई ना कोई चाल तो चलने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, क्या रोमन रेंस कल पीटेंगे या फिर पीट देंगे किंग कॉर्बिन को? बट गाइस आज की वीडियो इतनी, पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।